आज की शख्सियत छवि अग्रवाल नर्मदापुरम जिले के सुहागपुर तहसील के नगर सेमरी हरचंद के वरिष्ठ समाजसेवी मित्तल परिवार वरिष्ठ पत्रकार श्री अनूप कुमार मित्तल जी की पुत्री सुश्री छवि अग्रवाल आज किसी परिचय की मोहताज नहीं। उन्होंने अपने दम पर सीए का एग्जाम पहली बार में ही क्लियर कर लिया। छवि की प्रारंभिक शिक्षा सुहागपुर के सेंट पैट्रिक स्कूल में हुई, इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए भोपाल जाना पड़ा। भोपाल में आगे की पढ़ाई के बाद छवि मित्तल के मन में सीए की पढ़ाई करने का मन में विचार आया। उन्होंने इंदौर में पढ़ाई की। छवि ने 12 से 18 घंटे तक कठिन परिश्रम कर सीए का एग्जाम क्लियर किया। उन्होंने पूछने पर बताया, मुझे सीए की पढ़ाई करने के लिए मेरे परिवार से भरपूर सहयोग मिला। नारी शक्ति के बारे में पूछने पर छवि ने बताया कि नारी को कभी भी कम नहीं मानना चाहिए, नारी जगत की जननी है। नारी का अपमान जहां होता है वहां लक्ष्मी बात नहीं करती। इसके बाद वरिष्ठ पत्रकार अनूप मित्तल जी ने बताया कि मेरी बेटी ने सीए का एग्जाम के लिए किया है, हम उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, हमें बड़ी खुशी है हमारी बेटी आज से सीए बन गई है। बेटा आपका परिचय देंगे? मेरा नाम छवि अग्रवाल है। आपने सीए का एग्जाम क्लियर किया, हाँ। तो उसके बारे में बताएंगे, आपकी प्रारंभिक शिक्षा कैसे आपके मन में आया कि मेरे को सीए बनना है, कुछ बताएंगे? मैंने अपनी स्कूलिंग स्टार्ट करी थी सेंट पैट्रिक स्कूल से जी, हाँ। फिर 10th तक वहाँ पे पढ़ाई करी मैंने। 10th के बाद 11th 12th के लिए मैं भोपाल सागर पब्लिक स्कूल से पढ़ाई करी है। फिर मैं सीए की प्रिपरेशन के लिए इंदौर चली गई थी जी। फिर इंदौर से मैंने सीपी के लिए सही सेकेंडरी ज्वाइन करी, जो कि फर्स्ट लेवल एग्ज़ाम होती है सीए की जी। फिर वो क्लियर करके मैंने सीए इंटरमीडिएट के लिए विद्योदय क्लासेस ज्वाइन करी इंदौर में जी। फिर वो क्लियर करने के बाद मैंने अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट करी इंदौर से ही। 3 साल मैंने अपनी आर्टिकलशिप कम्प्लीट करी। उसके बाद मुझे 6 मंथ्स का टाइम मिला सीए फाइनल की पढ़ाई करने के लिए। 6 मंथ्स में मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करी थी। सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक मैं लाइब्रेरी में पढ़ाई किया करती थी जी। और फिर ऐसे मैंने अपने सीए की एग्ज़ाम किया था। तो बेटा इसके लिए आपको कितने घंटे पढ़ाई करना पड़ता था कंटिन्यू बताएंगे? मैं 14 से 15 घंटे पढ़ाई करती थी। अच्छा, और आपको आपकी फैमिली से कितना सपोर्ट मिला बताएंगे? मुझे मेरी फैमिली से पूरा सपोर्ट मिला। सबने बहुत सपोर्ट किया, कभी किसी ने कुछ चीज़ के लिए मना नहीं किया, हमेशा आगे बढ़ने के लिए बोला, सबने सपोर्ट किया, कभी कोई चीज़ की कमी नहीं रखी जी। हाँ, वुमेंस में आपके रोल मॉडल कौन है बताएंगे? वुमेंस में मेरे रोल मॉडल बहुत लोग हैं, हाँ, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे कलीग्स हैं, बहुत लोग हैं। नारी शक्ति क्या बोलेंगे आप? नारी शक्ति के लिए मैं बोलूँगी, आजकल लड़कियाँ लड़कों से टक्कर लगा के खड़ी हुई हैं, बिल्कुल हाथ मिला के, तो हमें उनको और प्रेरित करना चाहिए, उनको और बढ़ावा देना चाहिए, पूरा फैमिली सपोर्ट होना चाहिए उनके साथ, जैसे कि मुझे मेरी फैमिली का पूरा सपोर्ट मिला, तो ऐसे ही सारी लड़कियों को फैमिली का सपोर्ट मिलना चाहिए और उन्हें बढ़ने के लिए आगे प्रेरणा देना चाहिए, उनको प्रेरित करना चाहिए कि आगे बढ़े और ऊँची ऊँची मिसालें हासिल करें। थैंक यू। आपका परिचय देंगे? अनूप कुमार मित्तल। आपकी बेटी छवि ने सीए का एग्जाम क्लियर किया, उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? पूरे परिवार में खुशी का माहौल है, शुरू से पढ़ाई के प्रति उसका रुझान बहुत अच्छा रहा है और परिवार में मेरे बड़े भाई भाभी, जब तक उसकी मम्मी रही उसकी मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया, सभी लोगों का जो सपोर्ट था, मैं ये मानता हूँ सपोर्ट के चलते उसको कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई और उसने अपना ये मुकाम हासिल किया है। आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।